मतलब 30 से 40 हज़ार पूरी कांवड़ में बनाने में लग गया है, पूरी अच्छी तरह शानदार बना रखी है। कि नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। हमने आपको अनेक प्रकार की कांवड़े दिखाई, लेकिन आज जो कांवड़ दिखाने जा रहे हैं, जिनसे वार्तालाप करने जा रहे हैं, अपने आप में बिल्कुल शानदार है। क्योंकि ये कांवड़ भगवान महाकाल का शिवलिंग लगी हुई है, दोनों तरफ चंडमुंड के सिर हैं और बहुत ही अच्छी कांवड़ है, दिखने में बहुत ही सजी हुई कांवड़ है। अब मैं बात नहीं से कर दो, जो कांवड़ लेकर जा रहे हैं कैसा सफर। बम बम बोले भैया, बम बम बोले। आपका नाम क्या है? शिवम नाम है। कहाँ से आप रहने वाले? नोएडा सेक्टर 63 बहलोलपुर। बहलोलपुर से आप यहाँ कब आए थे हरिद्वार में? बोले हम आ गए थे 7 तारीख को। 7 तारीख को हरिद्वार को आए। आज यहाँ से रवाना? 8 की रात को। 8 को रात को। कल यहाँ से रवाना हुए कि आज ही रवाना हुए थे? आज ही रवाना हुए। आज ही रवाना हुए। थोड़ा सा चल गए थे, रात में रुके, आज ही रवाना है। कब तक पहुंच जाएंगे अपने घर? बोले जल के टाइम तक पहुंच जाएंगे, 14 तारीख का टारगेट लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये आपने जो कांवड़ पूरी बना रखी, बड़ी शानदार कांवड़ है, भगवान महाकाल का चेहरा है, शिवलिंग है, दोनों तरफ चंडमुंड है, ये कहाँ से मन में आया कि ऐसी कांवड़ बनाना चाहिए? बोले हमने सोचा था, इस बार हर बार जो है ना नॉर्मल कांवड़ लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा। नॉर्मल जल लेके जाते हैं, हमने सोचा कुछ अलग करना है इस बार, अलग ही करना है कि बोले सारे देखते ही रहे। तो बस दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आया, महाकाल के भक्त हैं, थोड़ा बुद्धि चली और खुद से तैयार कर। नहीं तो पूरे महाकाल के भक्त हैं, उस हिसाब से पूरी दोनों तरफ चंडमुंड। ये कहाँ आपने कांवड़ बनवाई, कहाँ पर? ये भोले फाइबर के बाहर से तैयार करवाए थे हमने दिल्ली से। अच्छा। उसके बाद इस पर डेंट पेंट लाइटिंग वाइटिंग सब खुद से तैयार किया, फिर वहीं से दिल्ली से दिल्ली से तैयार करके लाए थे। लाइटिंग वाइटिंग सब यहाँ फिटिंग किया और फिर यहाँ पे लाइटिंग फिट करके यहाँ से गंगा जल जी बोले लिए। बड़ी सही, कितना इसमें बजट लग गया होगा पूरी? लगभग कम से कम 30 से 40 हज़ार। मतलब 30 से 40 हज़ार पूरी कांवड़ में बनाने में लग गया है, पूरी अच्छी तरह शानदार बना रखी है। कितने लोगों की आपकी टीम में लगवाई थी? 4 लोग। 4 लोग हैं, मतलब भोलो पे भी चले, अपना अपना पर्सनल अपना कावड़ भी है, लेकिन वो सपोर्ट के लिए। अच्छा, मेरा अकेले कावड़ थे लेकिन सपोर्ट के लिए वो साथ चल रहे हैं। बाकी आप कांवड़ आप ही जी बोले? अरे वाह, मतलब अकेले पूरी कांवड़, इतनी शानदार कांवड़ मस्त ले जा रहे हैं। एक क्या आपकी कोई मन्नत अगर इसके पीछे, क्या इतनी बड़ी कांवड़ ले जानी? बोले कोई मन्नत नहीं है, बस भगवान के भक्त है, महाकाल के भक्त है, तो बस अलग करना था, बस सिद्धत से चाहते हैं। सिद्धत, कितनी इससे पहले कितनी कांवड़ आप ला चुके हैं? बोले 6 से 7 कांवड़ ले। 6 से 7 कांवड़ ला चुके हैं और इस बार भी लगा। सबसे अद्भुत सात्विक, सबसे अद्भुत कांवड़ जो है मेरी ये है। हाँ, मतलब वो दिखने में लग रही पूरी सबसे अद्भुत और बिल्कुल शानदार ही कांवड़ है, चंडमुंड की पूरी वो सिर लगा रखे, बीच में शिवलिंग है, बहुत ही अच्छी तरह से बना रखी है कांवड़। और ये मतलब एक चीज़ कभी सोचा नहीं कि आपकी उम्र के लोग बाहर मस्ती बकैती करते हैं, आप कहाँ यहाँ कांवड़ लेके जा रहा हूँ भाई इतनी, इस तरह मतलब कहाँ से उनमें ऐसे आया? बस भोले ऐसा है, भगवान के नाम पे शिव जी के भक्त हैं हम। हर बार हर साल किसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी हो, पैसे हो ना हो, भगवान की दुआ से जो भोले की कृपा से सब कुछ सेटल हो जाता है। एकदम बस कांवड़ लेने के टाइम पे सब कुछ सेटल हो जाता है। इस बार भी ऐसा सेटल हुआ, कोई मस्ती नहीं है भोले, सब कुछ सेटल हुआ और बस बाकी आप देख रहे हो, आपके सामने तैयार। नहीं तो ये है, सही बात है कि भोले की मस्ती से बढ़कर कोई मस्ती है नहीं, उसी मस्ती में पूरे डूब के स्नान कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं पूरे, और शानदार पूरी गजब की कांवड़ बना रखी है। और कैसी है कांवड़, कैसी भाई की श्रद्धा व्यक्ति से कमेंट से जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मैं जयप्रकाश अपनी वार्ता। धन्यवाद।